डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज थर्मोडायनामिक्स में एसटीएम के बारे में तो थोड़ा बहुत बताएंगे ही, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये जैसे कि आज का लेक्चर नंबर 68 होगा, लेक्चर नंबर 67 में जस्ट इसके पहले एसटीएम के बारे में काफ़ी कुछ बताए थे। उसको दो मिनट हम रिविज़न करेंगे, और साथ में ही एसटीएम में फॉर वाटर, ठीक ना, बहुत सारे डायग्राम पढ़ेंगे। बेसिकली आज पीवी डायग्राम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, पीवी डायग्राम पढ़ेंगे, टीएस डायग्राम पढ़ेंगे। बोलिएगा सर ये सब क्या है, अभी बताएंगे। टीएस डायग्राम पढ़ेंगे, टीएच डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक ना, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये सारे डायग्राम्स और साथ में फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो सबसे पहले ही पढ़ेंगे ना, तभी तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब दिल थाम करके, दिमाग को स्थिर करके आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताएं स्टीम, तो वाटर के चार फेजेज होते हैं। वाटर के कितने फेज होते हैं, चार फेज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फेज होते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फेज होता है क्या, आइस, ठीक है। आइस ही मेल्ट होकर के वाटर होता है, फिर आप हीट अप करते हैं उसको, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, और वेपर को और हीट अप करते हैं। वेपर का मतलब क्या होता है कि स्टीम हैविंग दी वाटर कंटेंट, वाटर ड्रॉपलेट्स। आप देखेंगे हाथ देंगे तो हाथ में चिपचिपा आ जाएगा, तो दैट इज दी वेपर। लेकिन यही आप कोरोना काल में बहुत सारा वेपराइजेशन जरूर जो है नेबुलाइजर यूज किए होंगे, दैट इज दी बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये वेपर में जब और हीट अप कर देते हैं वेपर को, तो प्योर स्टीम बन जाता है, प्योर ड्राई बन जाता है। तो एक तो आइस हो गया, दूसरा प्योर सब्सटेंस एज्यूम करते हैं वाटर को, इसके बारे में हम बता चुके हैं डिटेल। वेपर क्या होता है कि गैस और लिक्विड। देखिए आइस क्या हो गया, सॉलिड। आइस क्या हो गया दोस्तों, ये हमने आपको बताया था, आइस क्या हो गया आपका, प्योर सॉलिड। और इसकी जो है टेम्परेचर क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। उसके बाद आइस के बाद क्या बनता है, वाटर। वाटर क्या हो गया, लिक्विड, या इसी को हम लोग लिखते हैं फ्लूइड, क्या लिखते हैं, फ्लूइड। और इसकी टेम्परेचर रेंज क्या है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको जो है क्या मिलता है, वेपर, ठीक है। और इसके ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या मिलने लगता है, स्टीम, और आप हीट अप करते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है। ये जो है तब आपको क्या मिलता है, सुपर हीटेड स्टीम। क्या मिलता है, सुपर हीटेड स्टीम। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं, बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रेशर आप जो है क्या रखते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंट, दैट इज द 1 एटमोसफेयर। आ रही बात समझ में, बोलिएगा सर ये एच क्या है, तो एच आई मतलब इनथैल्पी ऑफ द आइस। इनथैल्पी क्या है, इनर्जी एसोसिएटेड विद द आइस। आइस के पास अपनी कुछ इनर्जी होगी कि नहीं, उसी तरह एच आई एफ इनथैल्पी ऑफ लिक्विड एंड फ्लूइड। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता है, आप जब देखेंगे तो आइस और लिक्विड दोनों साथ साथ रहेगा, धीरे धीरे दोनों जो है कुछ देर तक आइस और लिक्विड दोनों साथ साथ रहेगा, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे प्योर फ्लूइड हो जाएगा। फिर एच एफ जी मतलब फ्लूइड और गैस मतलब वेपर, और एच जी मतलब स्टीम, और एच मतलब सुपर हीटेड स्टीम। कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन मैं फिर अलग से तो बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, अलग से मैं नहीं बताऊंगा, इसी में मैं आपको बार बार समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। अब देखिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, हमने एग्जाम्पल लिया, इसको अच्छे से समझिएगा तभी आगे का कोई भी डायग्राम आप समझ पाएंगे। अब देखिए ये क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस पर हमने लिया है। -10 डिग्री सेल्सियस पर आपने हीटअप शुरू किया, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ करके -10 से क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी आइस है, यहाँ भी आइस है, फेज क्या हुआ, चेंज हुआ क्या, नहीं, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट ऑफ आइस। क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट ऑफ आइस,
ये क्या है आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर, समझिएगा। अब इसको सेंसिबल हाइट ऑफ आइस बोल दिए, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आप यहाँ रुके नहीं, हीट अप करते गए, उसको हीट देते गए, ठीक ना। हीट देंगे तो ये आइस धीरे धीरे क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर आइस है पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा वाटर है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आइस और वाटर दोनों होगा ना। अरे बात समझ में, आइस और वाटर दोनों होगा, मतलब सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। इसको इंडिकेट करते हैं एच आई एफ से, ध्यान दीजिएगा किससे, एच आई एफ। और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट बट फेज ऑफ प्योर सब्सटेंस गेटिंग चेंज। आइस से क्या हो गया, वाटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो गया, वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पर है, जीरो पे वाटर है और इसको हीट अप करते गए, ठीक ना। हीट करते गए तो 0 डिग्री 1 डिग्री 10 डिग्री 20 30 100 तक जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या है आपका, वाटर है। मतलब क्या हो गया, फेज चेंज हुआ क्या, नहीं फेज चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक ना। लेट सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, सॉरी सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, क्योंकि आप टेम्परेचर यहाँ सेंस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से। फिर यहाँ से आप हीट अप करते हैं वाटर को, तो यहाँ से यहाँ तक में यहाँ वाटर था, यहाँ वेपर बन गया। टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन हीट तो सप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर यहाँ पर वेपर को गर्म करते हैं, और ज़्यादा गर्म करते हैं, धीरे धीरे ये कन्वर्ट कहाँ हो जाता है, स्टीम में और सुपर हीटेड स्टीम में। और यहाँ पर देखिए फेज चेंज होता है, क्या हो गया, सॉरी फेज चेंज नहीं हुआ, स्टीम में फेज चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया। तो दो तरीके का यहाँ पर हीट है, एक है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में टेम्परेचर बढ़ेगा, फेज चेंज नहीं होगा। और लेटेंट हीट मतलब अंदरूनी ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वह अंदरूनी ऊर्जा मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और फेज चेंज हो जाएगा, क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक ना। कभी कोई आपको कुछ बोल देता है, कोई बड़ा आदमी है कुछ बोल दिया, तो आप जवाब तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गुस्सा बहुत आती है, तो क्या है, लेटेंट हीट है। और यदि आप बोल देते हैं तो क्या हो गया, सेंसिबल हीट हो गया। आप बोल दिए तो आपके मन में क्या है, पता चल गया लोगों को, आपने नहीं बोला किसी को नहीं पता चला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर एंड हीट। अब इसी आधार पर अब हम जो है बनाते हैं टेम्परेचर एंड इंथैल्पी डायग्राम, उसके बाद पीवी डायग्राम पे जाएंगे। क्या है, टेम्परेचर एंड इंथैल्पी डायग्राम। और ये सारे डायग्राम जो है भाई दीवे आपको स्टीम टेबल में भी मिलेगा, स्टीम टेबल में भी मिलेगा। बिना स्टीम टेबल का तो हमारा गाड़ी आगे बढ़ने वाला है ही नहीं, बिना स्टीम टेबल की गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो हम जो है लेक्चर नंबर मोस्ट प्रोबली 70 या 71 में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताएंगे, ठीक ना। क्या बताएंगे, स्टीम टेबल देखना। स्टीम टेबल आप देखे होंगे, आप किसी भी बुक में देखिएगा तो इस तरह का स्टीम टेबल आपको मिलेगा, ठीक ना। और यदि आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे तो आपको बोले भी होंगे कि भाई आप ये जो है स्टीम टेबल खरीद लो, ये गैस टेबल है। इसी तरह से एक स्टीम टेबल भी आता है, पूरी एक मोटी सी बुक रहेगी आपके पास, ठीक ना। अब हम ज़रूरत के हिसाब से ये कुछ पेजेज आपके पास है तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी दिया हुआ है। ये किसकी, वाटर की, स्टीम की, वाटर की, वेपर की, स्टीम की, वाटर की, वेपर की, स्टीम की, सबकी दी है कि नहीं, ये सब हम आपको बताएंगे एक जब मोलियर डायग्राम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आइए टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम। आप किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे डायरेक्ट इंथैल्पी रीड कर सकते हैं, कहाँ से, कहाँ से रीड कर सकते हैं बताएं, स्टीम टेबल से। अब देखिए टेम्परेचर एंड इंथैल्पी डायग्राम अब हम देख लें, तो ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर और ये क्या हो जाएगा इंथैल्पी,
ठीक है ना। टेम्परेचर रेंज कितना है आपका यहाँ पर, -10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या गया था 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या चले गया 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या हो गया 250 या 300 डिग्री सेल्सियस, जो भी है ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये हम लोकस इसका ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से ये क्या हो गया आपका, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस गया, तो ये क्या था आपका आइस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेंसिबल हीट, क्या बोलते हैं सेंसिबल हीट। और इंथेल्पी मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, एच आई इंथेल्पी ऑफ आइस। फिर इसको आप गर्म करते हैं तो ये क्या होता है आइस से कन्वर्ट होता है वाटर में, अभी आपके सामने है ये सब कुछ आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर ये आइस है और यहाँ पर ये क्या हो जाता है वाटर। फिर यहाँ पर आपने हीटअप किया, ये क्या हो गया आपका, यहाँ भी वाटर है यहाँ भी वाटर है, फिर आपने हीटअप किया तो यही क्या कन्वर्ट हो जाता है आपका यहाँ पर वेपर में। और फिर आप हीटअप करते हैं तो ये क्या बन जाता है अब स्टीम में, ठीक है क्या हो जाता है स्टीम में, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एच आई मतलब इंथेल्पी ऑफ आइस, इसको क्या बोलेंगे इंथेल्पी ऑफ वाटर। ये क्या हो गया इंथेल्पी ऑफ, ये होता है इंथेल्पी ऑफ आइस प्लस फ्लूड, तो इसको हम लोग बोलते हैं एच आई एफ, ठीक है। इसको ये क्या हो गया पूरा फ्लूड है वाटर से वाटर, तो ये एच एफ। और ये क्या हो गया आपका यहाँ से एच एफ जी, फ्लूड भी है और गैस भी स्टीम है। और इसके आगे जो है यहाँ पर क्या हो गया एच जी, और इसके आगे आप जाएंगे तो क्या हो जाता है एच, जिसको कि सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, सुपर हीट बोलते हैं, ठीक ना। तो अब फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये क्या है इंथेल्पी ऑफ आइस, बार बार हम एक ही चीज़ को लिखना नहीं चाहते हैं, आपको समझा दिए याद हो जाना चाहिए, ये इंथेल्पी ऑफ आइस हो गया, ये क्या हो गया इंथेल्पी ऑफ आइस एंड फ्लूड या लिक्विड, ये क्या हो गया इंथेल्पी ऑफ फ्लूड, ये क्या हो गया इंथेल्पी ऑफ फ्लूड एंड गैस मतलब वेपर, और ये इंथेल्पी ऑफ स्टीम और इंथेल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं एच सुपर हीटेड, इसका जो है फॉर्मूला है कि एच सुपर निकालने का भी फॉर्मूला है, एच जी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एच जी का तो फॉर्मूला आसान है कि एच एफ प्लस एच एफ जी निकाल देते हैं, एच एफ प्लस एच एफ जी जो है क्या होता है एच जी, लेकिन एच सुपर हीटेड का निकालने का फॉर्मूला होता है एच जी प्लस एम सी पी डेल्टा टी, ध्यान रखिएगा ठीक है ना, एम सी पी डेल्टा टी, ठीक ना। और इन सब का हम थोड़ा वैल्यू भी आपको बता दें कि एच आई जो है आइस का जो है लेटेंट हीट जो होता है आपका होता है 2.1 किलो जूल, याद रखिएगा सॉरी 21 किलो जूल। और एच जो है फ्लूड का दैट मीन्स कि वाटर का जो इंथेल्पी होता है दैट इज दी 420 किलो जूल, और एच का फॉर्मूला क्या होता है एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है एम सी पी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट का डायरेक्ट आपको निकालना पड़ता है, लेटेंट हीट का निकालना पड़ता है, और कहाँ से निकालना पड़ेगा आपको यहाँ स्टीम टेबल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लेटेंट हीट में क्या है आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ ठीक ना, कि लेटेंट हीट में जब लेटेंट हीट की बात करते हैं तो देयर इज नो टेम्परेचर चेंज बट फेज चेंज हो जाता है, वाटर से क्या हो जाएगा वेपर हो जाएगा, वेपर से स्टीम हो जाएगा, आइस से वाटर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो है हिसाब किताब लेटेंट हीट में आगे बढ़ता है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर इंथेल्पी डायग्राम। अब आ जाइए
टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम भी आप देख लीजिए, क्या टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम, और सबका बेस यही है, आधार यही है, ठीक ना, तुम ही हो एक आधार गुरुजी, ठीक है, यही आधार है। अब इसी के आधार पर टेम्परेचर एंड इंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर की लाइन, और ये क्या हो गया इंट्रोपी की लाइन, और इंट्रोपी बताने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इंट्रोपी एक सेपरेट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 66 में हमने आपको बताया है कि एस क्या होता है डी क्यू बाई टी, ठीक है, इंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और बेसिकली ये टी एस डायग्राम जो है क्या देता है आपको, ये फैमिली ऑफ कर्व, इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व, इसमें बहुत सारे कर्व होते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक ना। अब कैसे निकालेंगे तो समझिए, इसमें क्या होता है एक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है और एक सैचुरेटेड स्टीम लाइन होता है, और इसका जो है कुछ डायग्राम इस तरह का होता है, ठीक ना, ये होता है, और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, समझिएगा यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्या बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये जो है आपका इसको बोलते हैं सैचुरेटेड स्टीम लाइन, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाएं साइड, इसके बाएं साइड जो है देखेंगे आप तो पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा, सिर्फ लिक्विड मिलेगा, और इधर जो है आपका क्या मिलेगा सिर्फ गैस मिलेगा या स्टीम मिलेगा, और बीच में क्या मिलेगा लिक्विड और प्लस गैस मतलब वेपर, ठीक है। अब देखिए फेज चेंज वाला जो बात हम पढ़ें, यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस से होते होते क्या बनेगा, ये -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ही क्या बनता है, ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है स्टीम बन रहा है, ठीक है, बन रहा है कि नहीं स्टीम। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे तो बनता कैसे, यही लिक्विड आइस होगा यहाँ पर कहीं, यही कहीं आइस होगा, और ये लिक्विड होते होते इधर आ गया तो ये क्या बन गया स्टीम बन गया। फिर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो एक कोई ऐसा लाइन होगा जो यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से ये लिक्विड है और इधर स्टीम है, हम बोल रहे हैं ना, फिर थोड़ा सा और आप जाएंगे, ठीक ना, ऐसे तो इसके अंदर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है, ये जो है आपका हो गया। उसी तरह से आप जाएंगे दिस 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 दिस, ये टेम्परेचर अलग अलग है, जो हम आपको अभी बता रहे हैं पी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, ये आपका मान लीजिए कि जो है 10 bar पर हो गया, ठीक ना, ये प्रेशर क्या है 100 bar हो गया, ठीक ना, और ये भी कुछ प्रेशर होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ तक यदि आप जा रहे हैं तो पहले क्या हो रहा है लिक्विड, फिर लिक्विड और वेपर, फिर इधर स्टीम बन रहा है। इस पॉइंट पर देखिए, यदि इधर आइस ही हो और यहाँ पर लिक्विड डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर यदि आइस भी आप लाएंगे तो आइस विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू स्टीम, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक ना, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए इधर जो है ये कोई भी आप पॉइंट लीजिए, इसको लेंगे आप तो इधर क्या है लिक्विड लाइन, मतलब ये -10 डिग्री सेल्सियस से इधर शुरू होगा, ठीक ना, तो ये आइस रहा होगा, फिर लिक्विड बना, ठीक ना, ये लिक्विड, फिर ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, यहाँ के बाद अब लिक्विड ख़त्म हो गया, अब क्या होगा लिक्विड प्लस वेपर आ गया, वेपर आ गया, इधर लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा, और इधर अंदर जो है यहाँ के बाद अब लिक्विड नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टीम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें चूंकि बहुत सारे कर्व होते हैं इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जो है फैमिली ऑफ कर्व, और इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है।
तो यहाँ पर किसी भी ठीक ना जो है दैट मीन्स कि लिक्विड लाइन ठीक ना डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, देयर इज नो चेंज इन द क्या बोलते हैं इसको वेपर में, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इसका अपना एक वैल्यू होता है, वो मैं अभी आपको लिख देता हूँ। क्रिटिकल जो वैल्यू होता है किसका, क्रिटिकल वैल्यू जो है क्रिटिकल प्रेशर, मतलब जो है ना प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट जो होता है दैट इज दी 22 मेगा पास्कल, याद रखिएगा। और टेम्परेचर जो होता है वाटर के लिए, हम लिख रहे हैं वाटर के लिए होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ये होता है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक ना। क्रिटिकल पॉइंट मतलब पॉइंट एट विच दी सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर स्टेट, सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड वेपर एंड सेचुरेटेड स्टीम लाइन, ऑल थ्री पॉइंट्स गेट्स कॉन्साइड विथ ईच अदर। और यहीं पे जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी द क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक ना। तो यहाँ पर बेसिकली कोई बॉइलिंग नहीं होती है, हम जो जो है क्या बोलते हैं हांडी में या प्रेशर कुकर में पानी को गर्म करते हैं, देखते हैं पहले वो भेपर बनता है उसके बाद स्टीम बनता है, ठीक है। लेकिन इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर ये भेपर नहीं बनेगा, डायरेक्ट पानी से स्टीम उड़ जाएगा सीधा, ठीक ना। देयर इज नो एनी फेनोमेना ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग होगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट वेयर लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इंटू स्टीम, ठीक ना, इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक ना। ए पॉइंट इन द कर्व, इन द फैमिली ऑफ कर्व वेयर डायरेक्ट लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इंटू स्टीम। अब लास्ट जो हमारा एक था वह था पीवी डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, ठीक ना। पीवी डायग्राम क्या है, बहुत हद तक जो है इसी से मिलता जुलता है। ये है आपका पीवी डायग्राम, ठीक ना, ये हो गया प्रेशर और ये क्या हो गया वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर कुछ कर्व जो है यहाँ भी ऐसे ही होता है, ठीक ना, लेकिन दिस और इसको ये टच करते हुए आगे बढ़ता है और ये थोड़ा सा चेंज हो करके तब यहाँ पर ऐसे आता है, ठीक है, ये ऐसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सॉलिड पॉइंट है मतलब आइस, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है सॉलिड इसके साइड, फिर यहाँ पर जो पॉइंट आपका आएगा, ठीक है, यहाँ जो पॉइंट आएगा सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, यहाँ प्रेशर देखिए आप ध्यान दीजिएगा बढ़ते जा रहा है, और ये जो है इधर कांस्टेंट लाइन, फिर इस तरह से लाइन जाएगा, ये जो लाइन होता है कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। और ये जो पॉइंट होता है यही क्रिटिकल पॉइंट, यही जो है क्रिटिकल पॉइंट, और कुछ पॉइंट इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं से जाएगा। तो ये तो हमने क्रिटिकल पॉइंट जो है आपको बताए कितना 22 मेगा पास्कल एंड 374.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो पॉइंट लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं ट्रिपल लाइन ऑफ वाटर। दैट मींस कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका सॉलिड है आइस है, ये लिक्विड है इसके अंदर, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लिक्विड हो जाता है धीरे से, और इसके अंदर लिक्विड प्लस क्या होता है वेपर, और इधर क्या होता है सिर्फ स्टीम। मतलब ये जो लाइन है देखिए यहाँ सॉलिड भी है, सॉलिड को भी टच कर रहा है, लिक्विड को भी टच कर रहा है और स्टीम को भी टच कर रहा है। दैट मीन्स कि लाइन विच इज हैविंग टच फ्रॉम सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट लाइन, इसको क्या बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ जो है अब आपको सब कुछ याद रहने वाला है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरह से स्टीम हमारा बनता है और कहाँ से बनता है, आइस से बनता है,
ठीक है। अब चूंकि सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जनरली 20-30 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ इंडिया में होता है, तो आइस तो नॉर्मल मिलेगा नहीं, वो क्या ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में। फिर वाटर को आप हीटअप करते हैं तो क्या बनता है, वेपर, और फिर वेपर को हीटअप करते हैं तो क्या बन जाता है, स्टीम। तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर हमने आपको बताया, कैसे फेज चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर क्या, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, यहाँ पर टी टेम्परेचर इंथैल्पी, दैट मींस कि टीएच डायग्राम। इंथैल्पी क्या है, मतलब कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टीम इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो आइस के साथ कितना एनर्जी है, आइस प्लस फ्लूड के साथ कितना एनर्जी है, सिर्फ फ्लूड के साथ कितना एनर्जी है, वाटर प्लस फ्लूड के साथ कितना है, वेपर के साथ कितना है। अब ये इंथैल्पी हम निकालते हैं, और आपको हमने स्टीम टेबल भी बताया कि जो है कैसे आप निकालते हैं। अब ये सुपर हीटेड स्टीम का है, देखिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हर टेम्परेचर पे यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि ना यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए प्रेशर दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक है ना, किसका, स्टीम का, और सुपर हीटेड स्टीम का इधर आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये एक हम आपको जो है अलग से इसको सेपरेट भी बताएंगे, आप ध्यान देंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर, एब्सोल्यूट प्रेशर, सेचुरेशन टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट टेबल से। तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने आपको टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम बताए, और साथ में हमने आपको टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। जब मैं आपको मोलियर डायग्राम बताऊंगा तो मोलियर डायग्राम में भी जो है ये काफ़ी यूजफुल है, ठीक है ना, काफ़ी यूजफुल है, जो है सिर्फ यूजफुल ही नहीं है, इससे हम लोग डायरेक्ट डाटा निकालेंगे, जिसको कि मोलियर डायग्राम में एचएस डायग्राम बोलते हैं, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेम्परेचर एंड एंट्रोपी हो गया, फिर ये पीवी डायग्राम हमने आपको बता दिया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बता दिया, क्रिटिकल पॉइंट बता दिए, यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब हम लेक्चर नंबर 72-73 में जब एचएस डायग्राम बताएंगे, जिस समय थोड़ा सा स्टीम टेबल का भी जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पर और जो है कुछ बातें करेंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। अब स्टीम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डायग्राम है वह क्लियर हो गया। अब ये सब क्लियर होने के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो आज यहीं तक, आई होप कि ये डायग्राम काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और आगे भी जो है इसके लेक्चर्स को देखिए तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, अभी अचानक से मैं ऑफ करता उसके ऊपर, एक तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्टीम का, इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चूँकि आपके सिलेबस में ये हमने टरबाइन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इसमें तो स्टीम का यूज होता ही होता है। सबसे ज़्यादा डायरेक्ट यूज आप देखेंगे बॉयलर में, जब बॉयलर का परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, बॉयलर के परफॉर्मेंस की न्यूमेरिकल करेंगे, स्टीम के ऊपर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी, सारे डायग्राम, ठीक है ना। खास करके 4-5 तरह के डायग्राम आपके पास आते हैं, कौन कौन से डायग्राम, एक तो पीवी डायग्राम आएगा ही आएगा, दूसरा टीएस डायग्राम हमने आपको बता दिया, टीएच डायग्राम भी बता दिए, ठीक है, तीन डायग्राम तो हमने बताया ही बताया, फेज ट्रांसफॉर्मेशन बताए, एक डायग्राम जो अभी नहीं बताए हैं आपको आने वाले लेक्चर में बताएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एचएस डायग्राम, एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोलियर चार्ट, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट भी एक होता है जो रेफ्रिजरेशन में काम आता है, लेकिन स्टीम में एचएस डायग्राम हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, वहाँ पर भी जो है हम इसको एक बार कोशिश करेंगे कि रिवीजन करा देंगे, जब हम बताएंगे एचएस डायग्राम, मोलियर डायग्राम, ठीक है।
तो आज यहीं तक, और जब भी आप लेक्चर्स देखते हैं तो मैं बार बार चूंकि बताता हूँ, फिर एक बार जो है बता दूँ कि जब भी आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाते हैं, मतलब आपका अपना प्लेलिस्ट, उसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, मतलब इस चैनल पर जाकर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट निकालिए। वहाँ पर आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ज़्यादातर टॉपिक, जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, सब इन सीक्वेंस मिलेंगे। तो आप जब वीडियो भी देखते हैं तो प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, तो मज़ा भी आएगा और आप सीखेंगे भी। इसके अलावा भी कभी कुछ डाउट हो जाता है तो एज ए कम्प्लीमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।